नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। पंचांग के अनुसार आज शनिवार को सावन मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया की तिथि है और आयुष्मान योग बना हुआ है। आज चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। आज धनिष्ठा नक्षत्र है। आइए जानते हैं आज आपका राशिफल। मेष राशि, आज के दिन महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में ही पूरा दिन व्यस्त रहेगा। अगर कोई सरकारी काम लंबे समय से पेंडिंग है तो आज उसे पूरा कर लें। तथा निकट भविष्य में परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती है। अपने नए संपर्कों के साथ संबंध प्रगाढ़ करें, नहीं आप इनका लाभ नहीं ले सकेंगे। कपड़ों का व्यापार करने वाले लोगों को सामान के डिस्प्ले को लेकर सावधानी बरतनी है। गुणवत्ता से समझौता ना करें। लोहे का कारोबार करने वाले अच्छा लाभ कमा सकेंगे। अपने से बड़ों का आदर से ही पेश आए। थायराइड मरीज थोड़ा सजग रहे। आज के दिन फिल्म में शुभ सूचना मिलने की संभावना है। थायराइड मरीज थोड़ा सजग रहे। आज के दिन फिल्म में शुभ सूचना मिलने की संभावना है। वृष राशि, आज के दिन महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करते हुए मन को शांत रखें, नहीं तो जल्दी कोई टीम के लिए नुकसानदेह हो सकती है। जल्दबाजी वाले कामकाज आपके लिए रुकावटें खड़ी कर सकते हैं। कारोबार में आपको किसी रूप में लापरवाही नहीं करती है। खासकर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो लेन देन को लेकर पारदर्शिता बनाए रखे। युवाओं और विद्यार्थी घर में अपनों से बड़े लोगों के साथ सम्मानजनक ढंग से पेश आए। हेल्थ को लेकर साइटिका और गठिया के रोगी की परेशानी बढ़ सकती है। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पूजा अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो सही समय है। मिथुन राशि, आज के दिन आपकी वाक प्रभुता से लोग प्रभावित होंगे। आपकी क्षमता आपको प्रगति के मार्ग पर लेकर जाएगी। वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए तैयार रहें। खुदरा कारोबारियों को कम बिक्री से निराशा हो सकती है, लेकिन संयमित रहें। पार्टनरशिप में काम करने वालों को अच्छा लाभ मिलेगा। युवा वर्ग को संस्कृति भारी पड़ सकती है। विद्यार्थी शिक्षकों की अनदेखी करने पर परिजनों से फटकार पाएंगे। हर तरह से डिटिस से बचने का प्रयास करने चाहिए। खान पान बहुत संतुलित और सुपाच्य हो। जो लोग परिवार के साथ नहीं रह रहे हैं, वह घर आकर फोन कर उनसे संपर्क करें। कर्क राशि, आज के दिन सामाजिक गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मदद करने का मौका मिले तो व्यवहार में विलंबता रखें। ऑफिशियल स्थिति की बात की जाए तो टीम वर्क के साथ काम करने पर अधिक लाभ होंगे। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं उनके लिए विभिन्न लाभ दिलाने वाला हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अनमोल है, इसलिए परीक्षा की तैयारियों पर पूरा फोकस करें। यदि आपको थायराइड की समस्या है तो दिनचर्या में योग में व्यायाम को शामिल करना अति आवश्यक है। पारिवारिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए परिवार को एकजुट करके रखें। कुंभ राशि, आज का दिन मिला जुला परिणाम देने वाला है। कोई काम नहीं बन रहा है तो उसको ज्यादा समय बर्बाद करना ठीक नहीं होगा। कार्यस्थल की कठिनाइयों पर वरिष्ठ जनों से मार्गदर्शन लेना लाभदायक होगा। कारोबार में भी अच्छे लाभ की संभावना है। शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो सतर्कता जरूर रखें। निवेश की सूरत में जानकार की सलाह और समझदारी से निर्णय लेना होगा। विद्यार्थी शिक्षक की सलाह को लेकर लापरवाही न बरतें। अभिभावकों को छोटे बच्चों को लेकर मौसम को देखते हुए खास ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य खराब होने से बचाने के लिए ओवर ईटिंग से बचें। परिवार के साथ घूमने का प्लान भी कर सकते हैं। कन्या राशि, आज जिम्मेदारियों पर पूरी तरह फोकस करने की जरूरत है। ऑफिस को साथ पूरे ध्यान से बिना किसी गलती के निपटाना होगा। उच्च अधिकारियों के बीच सकारात्मक छवि बनेगी। व्यापार करना यहाँ पे संभव है कि छोटी छोटी यात्राएं भी कई करनी पड़ सकती हैं। इनसे आपको आर्थिक लाभ भी भरपूर होगा। विद्यार्थी आने वाली परीक्षाओं के लिए रिविजन के समय को और बढ़ाए। स्वास्थ्य को लेकर सर्दी खांसी और सांस लेने की तकलीफ परेशान कर सकती है। संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो आज सदस्यों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। हो सकता है कि घर के सदस्य आपस में लड़ जाएं। आपको पहल कर स्थितियां सामान्य बनाने का कार्य करना होगा। तुला राशि, आज के दिन हम कह रहे थे हो पाने में संशय है। जो कार्य आपने पहले सोच रखे हैं, नौकरी से जुड़े लोगों को कार्य यदि मन मुताबिक नहीं मिल रहा है या फिर अधिक मेहनत करनी पड़ रही है। धैर्य रखे। व्यापार में जिन लोगों का सरकार से संबंधित कार्य नहीं बन पा रहा था तो आज आपका प्रयास सफल होता नजर आ रहा है। हेल्थ में संकट की समस्या परेशानी में काम कर सकती है। दर्द यदि काफी लंबे समय से है तो आंखों की जांच करानी भी चाहिए। परिवार की अच्छी निर्णय लेने के लिए दिन उपयुक्त है। वृश्चिक राशि, आज के दिन ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए सलाह दी जाती है कि भविष्य में आपके लिए चुनौतियां बनने वाली है, इसलिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार रखें। ऑफिशियल कार्यों को लेकर अपना समय किसी सूरत में व्यर्थ न गवाएं। वाणी से किसी के लिए कटु मत बोलिए। विशेष तौर पर पीछे बुराई कतई नहीं कीजिए। आज से जुड़े लोग कुछ नया क्रिएटिव करने पर जोर दें। खान पान के व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। जो लोग शराब का सेवन करते हैं उन्हें अब सजग रहना होगा। भाई बहन को आपस में आर्थिक मदद की उम्मीद रहेगी। उनकी हर संभव सहायता करने की आप कोशिश करें। धनुराशि, आज के दिन मन मुताबिक कार्य बनाने के लिए आपको दूसरे के विचार खुद परिश्रम करना होगा। ध्यान रखें सफल परिस्थितियों में धैर्य न खोएं और मजबूत मानसिकता खुद को
सबके सामने प्रस्तुत करें। मेहनत में आनंद करते हुए मन लगाकर काम करने से धीरे धीरे परिस्थिति अनुकूल बनेगी। व्यापारियों के लिए सामान्य रहेगा, लेकिन फिलहाल बड़े निवेश के लिए रुझान न बढ़ाएं। सीने में संक्रमण और सर्दी जुकाम के प्रति सजग रहना होगा। परेशानी बढ़ती दिख रही है तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। घरेलू कलह की परिस्थिति बन रही है तो इससे बचने का प्रयास करें। छोटे मोटे घरेलू विवाद को दूरी पकड़ने ना दें। मकर राशि आज के दिन मनपसंद रहने वाला है। प्रयास मात्रा की देर है, शक्ति एवं स्फूर्ति के साथ कार्य पूर्ण कर लेंगे। जो लोग सरकारी विभाग में कार्यरत है उन्हें अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन निसंदेह कार्यभार भी बढ़ेगा। कारोबार में नए प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं, इसमें बिना सोचे समझे हानि नहीं करनी चाहिए। अध्ययन में रुकावटें उत्पन्न होने की आशंका नजर आ रही है। अध्यक्ष या कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए दिन उपयुक्त है। एलर्जी की समस्या को लेकर परेशान होना पड़ेगा। दवाइयों का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के न करें। जीवन साथी के विचारों का सम्मान करें। घर फायर सिस्टम को लेकर अलर्ट रहें। कुंभ राशि आज मानसिक चिंता कई जरूरी काम बिगाड़ सकती है। तनाव को खुद पर हावी ना होने दें। ऑफिशियल कामकाज में अधिक समय देना पड़ सकता है। बॉस की ओर से दी गई जिम्मेदारी भविष्य में मान बढ़ाएगी। दूध के कारोबारियों के ग्राहकों को शिकायत का सामना करना पड़ सकता है। गुणवत्ता को लेकर बहुत सतर्क रहें। युवा वर्ग मां की बातों की अनदेखी ना करें। विद्यार्थियों पर आप परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर देनी चाहिए। हाई बीपी से अगर आप जूझ रहे हैं, हाई बीपी से जूझ रहे लोगों को गुस्से से दूर रहने की जरूरत है। संतान के भविष्य को लेकर चिंता रह सकती है। वही जीवनों की राय से फैसला लेना फायदेमंद होगा। मीन राशि आज के दिन लगभग सामान्य ही रहने वाला है। भविष्य की कार्य योजना बनाते वक्त लंबी अवधि पर फोकस करें, जो कि आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। काम क्षेत्र में जुड़े लोग या खुद का व्यवसाय कर रहे लोगों को प्रगति के मौके मिलेंगे। बुद्धि के बल पर ऑफिशियल कार्य और कारोबार में सफलता मिल सकती है। आईटी सेक्टर के युवाओं को अपने प्रोजेक्ट में की गई मेहनत का आज परिणाम मिलता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य लेकर जिन लोगों को अक्सर बीपी हाई रहता है, वह अत्यधिक तनाव ना लें। अचानक तबियत खराब होने की आशंका है। युवा योगी संतान के लिए भी अच्छा रिश्ता आ सकता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।